केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह राम लल्ला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आरके सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतदान समाप्त होने के बाद मैं अयोध्या पहुंचा हूं ताकि राम लल्ला का दर्शन कर सकूं। उत्तर प्रदेश के बिजली के बारे में क्या कर सकता हूं यह व्यवस्था भी देखनी है। वही एग्जिट पोल जैसे ही निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज़ धीमी हो गई है, बल्कि लुप्त हो गई है। जो एग्जिट पोल आया है उससे ज़्यादा ही सीट एनडीए को मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर कहा कि उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली चाहिए थी उतनी बिजली दिया गया है। उत्तर प्रदेश को और बिजली चाहिए होगी तो हम और बिजली देंगे। हम प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे और आपको बता दें कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी भी आरके सिंह रह चुके हैं। नहीं, अभी हम आए हैं, जाएंगे देखने। तो पहले से अब क्या पहली बार परिवर्तन दिखते हैं? नहीं, पहली बार हम आ रहे हैं देखने के लिए मंदिर और पूजा करने। भगवान राम की नगरी में पहुंचे हैं यहां जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका मिला यहां आकर के उनका दर्शन करने का। और इच्छा थी, जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वोटिंग हुई और बीच में दो तीन दिन है तो सोचे कि यहाँ आए, यहाँ देख भी लें कि क्या व्यवस्था है, कैसी है और बिजली के बारे में और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, और मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। थैंक यू। विपक्ष लोगों की आवाज़ आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज़ धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा, जो एग्जिट पोल निकला ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है, ये लोग कोई ऐसे गठबंधन, ये लोग गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये लोग कभी अपने नेता